तो गाइज अपने साथ साथ आप सभी लोगों की प्रार्थना मैंने गोलू देवता मंदिर के पास रखी है। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो जरूर गोलू देवता सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे और आपकी समस्याओं का हल जरूर होगा। ऐसे गोलू देवता से मैंने प्रार्थना कर रखी है आप सभी लोगों के लिए। गोलू देवता मंदिर की बात करें तो अगर ये रहा फ्रंट व्यू और यहाँ से मेन मंदिर जो गोलू देवता का है वो अंदर पड़ेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एक नए ब्लॉग में और एक नई लोकेशन से स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए लोकेशन से। और अभी हम पहुँच रखे हैं अल्मोड़ा और मॉर्निंग के 6 बजे हैं और करते हैं ब्लॉगिंग को स्टार्ट। तो फिलहाल छत से नीचे उतर चुके हैं हम और अभी हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के बिल्कुल आगे और जानते हैं इस रेस्टोरेंट की कुछ खास बातें, क्योंकि अंकल जी ने हमें कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में कल रात बताया था, लेकिन नींद के झोंके ऐसे आ रहे थे, थकान ऐसी महसूस हो रही थी कि कुछ ज़्यादा हम जान नहीं पाए अंकल जी से। और अभी जैसे अंकल जी मिलते हैं हमें, अंकल जी से बात करते हैं और फिर जानते हैं इस होटल के बारे में कुछ खास विशेषताएँ। तो गाइज फिलहाल अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और होटल के ओनर हमारे साथ अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी कुछ विशेष बातें इस होटल की हमें कल रात बता रहे थे, लेकिन नींद आ रही थी, टाइम भी नहीं था, अंकल जी के पास भी नहीं था और हमारे पास भी, फिर खाना खुना खाना था हमने। तो अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अंकल जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा कुछ विशेष बातें ज़रूर बताइए आप इस होटल के बारे में और अल्मोड़ा की थोड़ी जानकारी ज़रूर दीजिए हमें। ऐसा है, अल्मोड़ा करीब 500 साल पुराना शहर है। ये अकेला ऐसा हिल स्टेशन है जिसे किसी हिंदू राजा ने बसाया, जैसे बाकी जितने भी हिल स्टेशन हैं वो अंग्रेज़ों ने बसाए। लेकिन 18वीं सेंचुरी में भी जब अंग्रेज अब यहाँ आ गए थे तो ये अंग्रेज़ों की कमिश्नरी बन गई थी अल्मोड़ा। तो उसी संदर्भ में आता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये बिल्डिंग लगभग 200 साल पुरानी है। ये ये उस समय के डिप्टी कमिश्नर जॉन बेकेट, जिनको बंदोबस्त अधिकारी भी कहा गया, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का पहला ज़मीनी बंदोबस्त किया, उनकी एक कोठी थी जो 650 रुपये में 1869 में नीलाम हुई। 650 रुपये, हाँ, जिसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब मेरे परदादा ने 650 रुपये में नीलामी में लाला हरीशा ठुलगरिया उन्होंने खरीदा। संग में इस बिल्डिंग का और भी कई इतिहास हैं। इसमें आपने रोनाल्ड रोस का नाम सुना होगा, जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन निकाला था, वो यहाँ पैदा हुए थे। इसमें 9/11 के टाइम में जो आयरलैंड के एम्बेसडर आए थे यहाँ इंडिया में, वो अपने नाना के वहाँ यहाँ रहे थे। तो गाइस फिलहाल अभी का सीन ये है कि सर लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मात्र मैं बच चुका हूँ अब, क्योंकि मैं थोड़ा चाय पीने लग गया था, अंकल जी के साथ थोड़ा गपशप लग रही थी। तो अब नहाना धोना करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट के मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और सारे लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं एक नए जर्नी के लिए। सारे लोग तैयार हो चुके हैं एक नए सफर के लिए तैयार हो चुके हैं सारे लोग। बताइए फिर कैसे रहा? बताओ बहुत अच्छा रहा। ठीक है, हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर और आगे का हम आपको शाम को बताएंगे कि हमारा ट्रिप कैसा नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, नेक्स्ट शॉट में, नेक्स्ट शॉट में बताएंगे। ओके, साथ ही साथ जब अल्मोड़ा आ रखे तो यहाँ से लेके जाएंगे बाल मिठाई, जो कि अल्मोड़ा की सबसे फेमस मिठाई होती है। तो बाल मिठाई लेके हम जरूर जाएंगे और आपको भी खिलाएंगे बाल मिठाई। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाल मिठाई आपको जरूर खिलाएंगे। सो गाइस चेकआउट का टाइम होता है 10 बजे और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 7 और सारे लोग तैयार हो गए तो टाइम से निकल लेते हैं और सारे लोग आ चुके हैं अभी बिल्कुल चेकआउट करने के लिए बाहर पे। तो जाते जाते एक ग्रुप फोटो जरूर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो अंकल जी हमारे होटल के ओनर हैं वो भी और जितने हम सारे आ रखे हैं कर्णप्रयाग से, सारे एक ग्रुप फोटो यहाँ पे शूट करने वाले हैं हम। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आके, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। ठीक है सर, ओके, ठीक है। फाइनली गाइज लास्ट चेकआउट की लास्ट शॉट मारते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक नए शॉट्स में, देखते हैं कहाँ पे टाइम मिलता है और कहाँ से हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी एक। तो गाइज फिलहाल फाइनली मुझे फ्रंट सीट मिल चुकी है, काफ़ी मेहनत और मनाने के बाद बिन्नी मैम ने मुझे फ्रंट सीट जरूर दी है। और अभी हम अल्मोड़ा से निकल चुके हैं गोलू देवता के लिए।
मॉर्निंग के 7:30 बज चुके हैं, 7 बजे हम निकल गए थे थोड़ा मार्केट में, थोड़ा टाइम जरूर लगा और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो सारे लोग मस्त होके अभी भजन सुन रहे हैं सारे गाड़ी में। ताली तुली बजाओ भाई, भजन भुजन करो कुछ। गाइस व्यू और मौसम का आज कोई जवाब नहीं, एक बार मतलब जैसा हमारा फेवरेट मेरा फेवरेट मौसम और व्यू रहता है सेम कंडीशन हो रखी है, मौसम भी बिल्कुल बिंदास वाला हो रखा है और साथ ही साथ व्यू का तो कोई जवाब ही नहीं। कुमाऊं का मतलब जैसे हमारे वहाँ गढ़वाल में क्या होता है कि बड़े बड़े पर्वत पठार दिखते हैं, चट्टाने बड़ी बड़ी दिखते हैं, तो यहाँ बिल्कुल मस्त वाला व्यू दिखता है, छोटे छोटे पर्वत दिखते हैं। तो गाइस कुमाऊं एक सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ हर क्षेत्र में मंदिर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, वैसे उत्तराखंड में हर कहीं भी आप चले जाओ तो मंदिर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और हम अभी करेक्ट लोकेशन पे हैं, डांडा गोलू देवता मंदिर में रुके हैं और इसके बाद तो पड़ेगा हमारा गोलू देवता मंदिर। जय श्री गोलू देवता मंदिर चितई अल्मोड़ में हम फाइनली पहुँच चुके हैं और अभी गाइज लगभग कुमाऊं का 50% टूर हम कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ 50% टूर और गोलू देवता मंदिर हमारा जाना मेरा जाना बाकी रह गया था और आज फाइनली हम गोलू देवता मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। गोलू देवता मंदिर के बिल्कुल हम सामने पहुँच चुके हैं क्योंकि इससे पहले हम गोलू देवता मंदिर में नहीं पहुँचे थे, बाकी तो कुमाऊं में लगभग सभी जगह और सभी मंदिरों में हम जा रखे हैं। कुछ खास बातें बताते हैं आपको गोलू देवता मंदिर के गेट के अंदर जाके, जो मंदिर की कुछ खास बातें हैं हमें भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं और अंदर जाके कुछ जरूर जाने की कोशिश करेंगे गोलू देवता मंदिर के बारे में। तो सारे लोग अभी लगे हैं पेन और कॉपी लेने में क्योंकि गोलू देवता मंदिर में जो अर्जी लिखी जाती है कागज़ पर जो लिखा जाता है और गोलू देवता मंदिर के पास वो कागज़ सौंप दिया जाता है। गोलू मान्यता है कि गोलू देवता जो मतलब अर्जी हमारे द्वारा दी जाती है गोलू देवता उस पर देखते हैं और उसको जरूर वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है, तो हम भी आज ट्राई करके देखते हैं एक बार। अर्जियाँ अर्जियाँ यहाँ से लेंगे हम, अगरबत्ती धूप हो गया और पिठाई प्रसाद सर हम यहाँ से लेके आएंगे। भाई ने एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें बताया कि मतलब जैसे हमारे जो अर्जी वाला सीन होता है जो बता रहा था मैं आपको, ये एक मतलब ऐसे हो मान्यता है कि हम मानते हैं कि जो हमारी मनोकामना होती है वही मतलब उस कागज़ में लिखी जाती है और यहाँ टांग दिया जाता है, यहाँ लगा दिया जाता है वो कागज़। कोई प्रसाद ले रहा है, कोई मंदिर आगे निकल गया है और कोई अभी पीछे लगे हैं रास्ते और किसी का अभी चल रहा है फोटोशूट और मंदिर के लिए अब करते हैं हमें एंट्री। मंदिर के लिए एंट्री होती है यहाँ से और मतलब एक अलग सा सुकून अलग सा फील जरूर आ रहा है गोलू देवता मंदिर आके, क्योंकि पहली बार हमारा गोलू देवता मंदिर आना हो रहा, तो एक गाइस काफी नजदीक हम मंदिर के काफी नजदीक पहुंचे हैं, तो फाइनली मंदिर के सामने हम पहुंच चुके हैं और मंदिर में चलते हैं हम थाली चढ़ाने के लिए। गुरु देवता मंदिर की बात करें तो अगर ये रहा फ्रंट व्यू और यहाँ से मेन मंदिर जो गुरु देवता का है वो अंदर पड़ेगा और दर्शन तो हम कर चुके हैं गुरु देवता मंदिर के और बाकी बाहर देख सकते हो आप हर जगह अर्जियाँ लगी हैं और घंटियाँ लगी हैं हर जगह। फाइनली गोलू देवता मंदिर के हम दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा और एक अलग सा सुकून फील हो रहा है, मतलब नई लोकेशन है हमारे लिए और नई जगह हम यहाँ गोलू देवता मंदिर में पहली बार अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ रखे हैं और मतलब एक अलग सा फील जरूर हो रहा है गोलू देवता मंदिर में आके। मंदिर का लगभग पूरा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू भी दिखाई दे रहा है, मंदिर का मतलब चारों ओर दिखाई दे रहा है यहाँ से इस लोकेशन से।
भगवान भगवान जी ऐसा मत करो, प्लीज 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 गॉड गॉड ऐसा मत करो। तो गाइज अपने साथ साथ आप सभी लोगों की प्रार्थना मैंने गोलू देवता मंदिर के पास रखी है। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, वो जरूर गोलू देवता सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे और आपकी समस्याओं का हल जरूर होगा। ऐसे गोलू देवता से मैंने प्रार्थना कर रखी है आप सब सभी लोगों के लिए। सभी लोगों का फोटो शूट और सारे लोग फोटो देख के खुश हो गए अपनी अपनी। ठीक है रखी, ठीक है, ठीक है। जिसकी जो अर्जियां थी सारे लोग अपनी अपनी अर्जियां लगा चुके हैं और अब फाइनली टाइम हो चुका है हमें गोलू देवता मंदिर से निकलने का। फोटो सेशन सबका शूट हो चुका है और सब कुछ लोग आगे निकल चुके हैं और कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, जैसे ये लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली मंदिर से निकल चुके हैं हम बाहर की ओर, जागेश्वर मंदिर जाएंगे हम अब। गोलू देवता मंदिर से अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर और 3-4 किलोमीटर हम निकल चुके हैं और यहां से रह जाता है मात्र 18 किलोमीटर क्योंकि। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और गाइस साथ ही साथ अगला ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अल्मोड़ा गए हम और अल्मोड़ा से गोलू देवता गए और गोलू देवता से हम जागेश्वर धाम जा रहे हैं और जागेश्वर धाम मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा।